गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक ने कहा कि पूरे रेंज में लॉकडाउन की स्थिति बेहतर है। क्वारंटाइन सेंटर पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक ने कहा कि तबलीगी मरकज जमात के महाराजगंज के 21 लोग तथा देवरिया से 13 लोग पाए गए हैं जो आइसोलेशन में हैं। डीआईजी राजेश डी मोडक ने रेंज की जनता से एक बार फिर अपील की है कि अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए डीआईजी राजेश डी मोडक ने कहा, पूरे रोन में लॉकडाउन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप लोग देख रहे होंगे सड़कों पर लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं और लॉकडाउन का अनुपालन ठीक से पालन कर रहे हैं। सर, जो तब्दीली मरकत वाली बात थी जमात की, उसमें क्या जो अपने रेंज के भी कुछ लोग हैं शामिल उसमें? नहीं, कुछ लोग वहाँ पे जो शामिल हुए थे उसमें हमारे रेंज में महाराजगंज में अराउंड 21 और 13 हमारे देवरिया में पाए गए जो अभी आइसोलेशन में हैं या ऐसी जगह उनको रखा गया है जहाँ पे वो आइसोलेशन में है। सर, जो स्वास्थ्यकर्मियों पर कुछ जगह सूचनाएं आ रही हैं प्रदेश में या देश में, तो स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए भी कोई अलग से व्यवस्था की गई है इसमें? हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा तो अलग से की गई है, ऐसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्वास्थ्यकर्मी की नहीं की गई है। जहाँ पे भी हमने क्वारंटाइन और आइसोलेशन की व्यवस्था की है वहाँ पे प्रॉपर फोर्स लगाया है, ऐसे कोई इंडिविजुअल स्वास्थ्यकर्मी की व्यवस्था नहीं। सर, लॉकडाउन में उन लोगों से क्या कहेंगे जो बेवजह सड़कों पे घूम रहे हैं? लॉकडाउन अभी आज पहला दिन तो है नहीं कि मैं ये बात बताऊं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से ये कहना, मैंने काफ़ी बार आपके चैनल के माध्यम से कहा कि ये जो कोरोना वायरस को हराने के लिए या उस पर उसको मात देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एक तरीका है। तो हम लोग अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो करें तो ही ठीक रहेगा।